आज के शुभ अवसर पर अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, तो उन वीर सपूतों के त्याग से जिन्होंने इस माटी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज इसीलिए हम 76वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव को खुशियों में समेटे हुए प्रफुल्लित भाव से जय हिंद जय भारत का उद्घोष करते हैं। मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों का वंदन। अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड एजुकेशनल एंड कम्पिटिटिव चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बारंबार ये अवसर आता रहे, मन प्रफुल्लित होता रहे। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया आज भी है। ये धर्म की नगरी है, यहाँ रग रग में माटी की महक मिलती है। हमें अपनी मिट्टी से प्रेम है, हमें अपनी मिट्टी के लिए अपनी शरीर से कोई वास्ता नहीं। इससे जो कुछ है, हमारी शरीर हमारी माँ भारती है, उसी को नमन, उसी को वंदन। और इसी माटी के लिए, इसी देश के लिए आज के अवसर पर भगत सिंह जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और इनका कथन था उस ब्रिटिश अन्यायियों के लिए, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और यही विचार लिए आज जो हम लोग खुशियां मना रहे हैं, ये माँ भारती के असली सपूतों के बल पर। राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका अपना ही एक अलग निराला अंदाज था माँ भारती के लिए। इस सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और ये उन अन्यायियों के लिए, उन ब्रिटिशों के लिए एक चुभती तीर के समान शब्द थे। उनको भेद गए, उनको छोड़कर मजबूरन भागना पड़ा। और आज हमारी माँ भारती पुनः प्रफुल्लित भाव से हंस रही है, और उसकी गोद में ये जो भारत के आबादी देख रहे हैं, गोद में खेल रही है, प्रफुल्लित है। और ये है अपना गर्व, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा। इस तिरंगे को बारंबार सलाम, नमन। तो आज के दिन
आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को और जो भी इस चैनल को देख रहे हों और न देख रहे हों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नित्य इस माँ भारती की गोद में खुशियां मनाते रहिए, हंसते रहिए, प्रफुल्लित रहिए और देश सेवा के लिए समर्पित रहिए। ये माटी नहीं, ये मेरी माटी सोना है, इसी से हमें प्रेम है, यही हमारा सब कुछ है। हमें इस मिट्टी के लिए जो कुछ करना है करना है। तो आज का समर्पण जो है वो माँ भारती के लिए, हम उसी की संतान हैं, हम उसी की गोद में खेलते हैं। हमें हमेशा सबक रखनी चाहिए कि कुछ भी आ पड़े तो हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कूद पड़ेंगे। किसी की औकात नहीं जो इस तिरंगे की ओर तिरछी नज़र से देख दे। हम वो भारतीय हैं, हम वो हिंदू हैं जिसकी रग रग में माँ भारती बसती है। यहाँ ये प्रेम की नगरी है, यहाँ श्री कृष्ण राम जैसे देव ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इस धरती पर जन्म लिया कि ये ऐसी वैसी कोई मिट्टी नहीं है, हमारे देवों की जन्मभूमि है, जहाँ हमारे पूर्वज हंसते खेलते रहे वहीं हम भी खेल रहे हैं। आज हमारी भी संतानें इसी माँ भारती की गोद में खेल रही हैं। हमें हमेशा अपनी माटी पर गर्व है, अपनी भारत माँ पर गर्व है, अपने भारत देश पर गर्व है। बस आज इतना ही, और उन वीर सपूतों को बारंबार नमन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल खां, बहुत से ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस माँ भारती के लिए, उनको बारंबार नमन। और ऐसे ही जो वीर सपूत सीमाओं पर डटे हैं और जो अपनी शहादत को भूल जाते हैं, उनको बारंबार नमन। वो अपनी माँ भारती के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, उनको बारंबार नमन। और ऐसा शुभ अवसर हमारे पूर्वजों ने देखा, हम भी देख रहे हैं, हमारी संततियां भी देखेंगी। और माँ भारती का ये झंडा तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा, ये गगन को चूमता हुआ अट्ठास कर रहा है कि ये कुछ नहीं, ये भारत देश है, यहाँ भारतीय हैं, ये हिंदू की नगरी है, ये हिंदुस्तान है। तो बस इतना ही आज के लिए। आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।